धमतरी जिले में पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में कम कीमत में छठ सीमेंट देने के बहाने चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते दिनों ग्राम हथबंद में एक घर से सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी रकम की चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर साइबर और चौकी बेबेझर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई थी। और इसी बीच सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने पंचराम उर्फ पंचू को पकड़कर पूछताछ की, जिस पर आरोपी पंचू ने सितंबर 2023 से अब तक धमतरी जिले सहित बालौद और दुर्ग में लगभग 14 से ज्यादा चोरी करना स्वीकार किया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी से 9,21,000 के सामान और नकदी रकम जब्त कर आरोपी को जेल भेज दिया है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। जिले के बेबेझर चौकी के ग्राम हथबंद में दिनांक 31/8/24 को हमें एक अज्ञात आरोपी द्वारा घर में प्रवेश कर लॉकर में रखे सोने चांदी के जवाहरात और कैश चोरी किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर हमने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिर के का साथ लेकर पतासाजी की। पतासाजी करने पर एक संदेही को पकड़कर उससे कड़ी पूछताछ की। उसने कुल 14 चोरी के मामलों में चोरी करना स्वीकार किया है, जिसमें धमतरी बालोद और दुर्ग जिले में छड़ सीमेंट के बहाने घर में घुसकर चोरी करने की बात उसने स्वीकारी है। इस प्रकार कुल 14 मामलों में संलिप्त रहने का उसकी द्वारा स्वीकारोक्ति की गई है, जिसमें 7 धमतरी के एवं 7 अन्य दिगर जिलों के थे। आरोपी का नाम पंचराम निषाद है, जो कि चंदली गांव चंदरपुर थाने के अंतर्गत जिला शक्ति का निवासी है और वर्तमान में माना रायपुर में निवासरत है। उसके पास से रिकवरी में कुल 9,21,000 रुपए के सोने चांदी के जेवरात, कैश रकम और अन्य सामान की बरामदगी की गई है और इसके आधार पर उसके ऊपर कार्यवाही करके उसे जेल भेजा गया है।